हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, वो भी बिना मावा, बिना ड्राई फ्रूट का, और झटपट बनके तैयार हो जाएगी। और इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो के लगभग गाजर लिया है। इसे हम धोकर छील लेंगे और छीलने के बाद फिर से वॉश करेंगे 2 से 3 बार। और फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने गाजर को धोकर छील लिया है और छीलने के बाद फिर से धोया है, क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है ना, तो छीलने के बाद भी इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी रहता है। और इस तरीके से हम ये कद्दूकस करने वाली जो जाली होती है ना, हम उसी में कद्दूकस कर लेते हैं दोनों गाजर को। गाजर को नहीं बारीक कद्दूकस करना है, नहीं मोटा कद्दूकस करना है। इसे मीडियम साइज़ के कद्दूकस करने वाला होता है ना जाली, उसी में कद्दूकस करना है। इससे इसका टेस्ट और भी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से हमें दोनों गाजर को कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, हमारी दोनों गाजर भी कद्दूकस हो गई है। इस तरीके से हम कद्दूकस करके इसे रख लेते हैं और गैस में चढ़ा लेते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आज बनाएंगे हम गाजर का हलवा, और वो भी झटपट बन के तैयार होगी। अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, और घी मैंने घर पर ही निकाला था। तो यहाँ पे जो काला काला दिख रहा है ना, ये खुरचन का बचा हुआ था। तो नीचे साइड का जो घी रहता है ना, वही मैंने डाला है। ये घी ख़राब नहीं है फ्रेंड्स, ये घी अच्छा है। और ये घी गर्म हो जाने के बाद इस पर हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, और इसे अच्छे से चम्मच चला लेंगे। इसे 5 मिनट तक अच्छे से लगातार भून लेना है फ्रेंड्स। और ये भुनने में ही इसका टेस्ट आता है, इसलिए भुनने में कोई कंजूसाई नहीं करेंगे। तो इसे 5 मिनट तक ऐसे ही चम्मच चला चला कर भून लेंगे। और आज मैंने प्रेशर कुकर में इसलिए बनाया है क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और हमारे पास समय है नहीं। तो हम आज गाजर का हलवा को प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि देखते जाइएगा ये रेसिपी कितनी झटपट बनकर तैयार होती है। 5 मिनट तक लगातार इसे ऐसे ही भूनना है, खुला करके ही पकाना है इसे हमें। गाजर को भूनते हुए हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से चम्मच चलाएंगे और 3 हरी इलायची लेंगे, जिसे मैंने कूट लिया है। और कूटने के बाद हम इसी में डाल देंगे और इसे फिर से लगातार भूनेंगे फ्रेंड्स 2 मिनट तक। यहाँ पर मैंने गाजर को चीनी के साथ भून रही हूँ। तो देखिए, पानी रिलीज़ हो रही है क्योंकि शक्कर है ना, वो मेल्ट हो रही है। तो इसलिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे इस तरीके से। गाजर को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। और इसे प्रेशर कुकर में हम ढक्कन लगाकर इसे 2 सीटी आते तक इसे पका लेंगे, जिससे क्या है, गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी पक जाएगी फ्रेंड। 2 विसल हमें लगाना है। 2 सीटी लगने के बाद हमने गैस को ऑफ कर दिया था ताकि प्रेशर कुकर से हवा निकल जाए। और देखिए, हमारी गाजर एकदम बढ़िया से पक गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। और यहाँ पर हम फिर से गैस ऑन कर देंगे ताकि इसका अगला प्रोसेस हम फिर से कर सकें। यहाँ पर हमने गैस ऑन कर दिया है। मैंने नारियल की लड्डू बनाई थी, तो ये मिठाई में रखी हुई थी मेरे पास अमूल की, तो मैं इसी में डाल दूँगी मिठाई में 2 बड़े चम्मच। इस तरीके से मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। अगर आपके पास मिठाई मेड है तो आप इसमें गाजर का हलवा जब बनाएंगे ना, तो आप इसे ज़रूर डालिए। इसे एक बार डाल के देखिएगा, इसका टेस्ट ना इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये मिठाई में डालने के बाद गाजर का हलवा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है।
इस तरीके से मैंने अब थोड़ा सा ही बचा था तो उसमें पानी डालकर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, अच्छे से मिलाकर इसी में हम डाल दिए हैं। आपको मिठाई मेड है आपके पास तो आपके पास मावा नहीं भी है तो भी आपका गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। मिठाई में डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक मिनट तक और पका लेंगे। यदि आपके पास मिठाई मेड या मावा नहीं है तो आप केवल इसे इलायची और दूध के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाइएगा, ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैंने एक कप के जितना मिल्क लिया है, ये पका हुआ दूध है फ्रेंड्स, इसे हमने पकाकर ही डाला है। क्योंकि हमें गाजर का हलवा थोड़ा जूसी पसंद है इसलिए हमने इसे एकदम सूखा नहीं बनाया है, बाद में ये ठंडा होने के बाद एकदम सूख जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर दूध ऐड किया है। आप चाहें तो दूध ऐड नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन दूध ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप खाते ही रह जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है ये रेसिपी। ये बिना मावा बिना ड्राई फ्रूट की बनती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया है। इसे दूध डालने के बाद एक मिनट तक और पकाना है और उसके बाद गैस ऑफ कर देना है। इस तरीके से हमारी गाजर की हलवा रेडी, और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए गाजर का हलवा कितना टेस्ट लग रही है, और ये गाजर का हलवा ना ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठंडा होने के बाद खाएंगे ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। यदि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं ना और उनको मीठा सर्व करना है कुछ खाने के बाद, तो आप ये गाजर का हलवा उन्हें खिलाइए और उनको इतना पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा कि रेसिपी हमेशा पूछ कर ही जाएंगे कि कैसे बनाए हैं आप करके, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है बिना मावा की। ये गाजर की हलवा रेडी हो गई है और ये देखिए हमारी गाजर की हलवा कितनी अच्छी लग रही है। मेहमान के लिए वेट नहीं करना है फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने लिए भी बना सकते हैं, और बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। और अपने अनुभव ना हमारे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।